प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए कहाँ साइलेंट होता है। देखिए, यदि किसी शब्द में ई के बाद ए हो, तो वहाँ पर ए को नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वहाँ पर ए साइलेंट होता है। एक बार फिर से, यदि किसी शब्द में ई के बाद ए हो तो वहाँ पर ए साइलेंट होगा, अर्थात ए को नहीं पढ़ा जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी शब्द में ई के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है, अर्थात ए को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ई के बाद ए है, अर्थात ए को नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए साइलेंट होगा। तब हमें ई सी एच इन्हें पढ़ना है और इनका उच्चारण होता है ईच। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ई के बाद ए है, तो ए को नहीं पढ़ना, तब पी ई सी एच को पढ़ना है, तो इनका उच्चारण होता है पिच। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ई के बाद ए है, अर्थात ए को नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर ए साइलेंट है। तब हमें टी ई एम को पढ़ना है, जिसका उच्चारण होता है टीम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।